तो भाई आज आपका प्रैक्टिस सेशन 2 चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे 13.4 क्वेश्चन पे आ जा। बैक एक्सरसाइज इन्होंने क्या कहा है आपको, क्या रहा है, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला क्या दिया है, पेंट। तो मेरी बात सुनना, आपको कह रहा है ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं करना जो मैंने बताया था मैकेनिज्म ना, आपको शॉर्टकट मेथड जो बताया था मजनू भाई के चश्मे वाला, मजनू भाई का चश्मा से खोलना है और वहां पे क्या लगा देना है, डबल। समझ गए नहीं समझे, तो सबसे पहले पेंट टूइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ध्यान दे, इसके फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, पेंट टूइन गिवन है ना, पेंट टूइन। तो कैसे बनाएंगे भैया, CH3 यहाँ डबल बॉन्ड, ये बना दिया भैया। अरे HH पूरे कर लोगे नहीं कर लोगे, या एच भी लगा के दिखाऊं, कर लेंगे। अब याद ध्यान दे, इसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं डालूंगा फर्स्ट डालता है क्या O3 और सेकंड क्या डालता है सिंक विद वाटर। डलता नहीं डलता, कोई बात सुनना, ये मजनू को आएगा चश्मा यहाँ से ऐसे टूटेगा और जैसे ही टूटेगा ये यू खुलेगा, ये CH3 यहाँ पर, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है सी के साथ, यहाँ ये और ये ऐसे खुलेगा नहीं खुलेगा, यहाँ पर क्या डल जाता है ओ, और इधर बाकी क्या लग जाएगा CH। अरे बोल दे भाई, तो सेम है। तो ये कंपाउंड बना CH3CHO, CH3CHO का क्या नाम हो गया, इथेनल, और इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेनल। ये समझ आया कि नहीं आया, चलते फटाक से लेके इसको जल्दी से। तो कोई पूछे तो इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स निकले भैया, आगे रिएक्शन लिख के दिखाओगे, और यहाँ पर एक लिखोगे CH3COH और यहाँ पर क्या छेपोगे CH3CH2 और यहाँ पे COH। यहाँ पे आप आई पैक नेम लिखने है ना, तो यहाँ आप लिख दोगे इथेनल और यहाँ क्या लिख दोगे, इज दैट क्लियर भाई। क्वेश्चन में हल्का सा भी लोचा हो ना, मना कर देना भाई, नहीं आया समझ में, सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट में जरा बता दे किसका करना है, के बीच में लग गया, समझ गए। अब मजनू भाई का चश्मा ऐसे खोलेगा, बोलते ये दिखा देना मजनू भाई के चश्मे से पहले, ये कि फर्स्ट पे O3 और सेकंड पे क्या जिंक प्लस वाटर, ठीक है, वरना मन्नू भाई का चश्मा खोल नहीं पाएगा, यही खोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दे, इसको अलग अलग कर दे भैया, ये ऐसे यहाँ पर CH3 अलग हो गया और वहां पर भी ये ऐसे अलग हो गया, अरे बोल दे भाई, ये सी ये बस 3 सी काफी है, ठीक है भैया। यहाँ पे भी डबल ओ लग गया, यहाँ पे भी डबल ओ लग गया, तो चेक करके देखिए क्या बना, अरे ये 1 2 3 4 ब्यूटेन बना, ब्यूटेनॉन, इसका नामकरण क्या हो गया, ब्यूटेन टू ओन। अरे बोल दे भाई, ये वाला क्या हुआ, 1 2 3 4 5 पेंटेन टू ओन। कोई लोचा फटाफट लेके से जल्दी से, सर 2 कैसे हो गया, अरे भैया 1 1 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है रे। लॉन्गेस्ट चेन आप इस स्ट्रक्चर को ना सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे यू करके, ऐसे करके आपने देख लिया ना कि लॉन्गेस्ट चेन 5 की है। ले भैया यहाँ ध्यान देना, थर्ड पार्ट कौन सा है, 2-ethyl-butane, इनका क्या मतलब हो गया, ब्यूट वन ही हो गया, 2-ethyl हो गया, CH2 क्या, CH3। कोई लोचा, यहाँ पर H पूरे कर, यहाँ पर 2H हो गए और यहाँ पे 3H हो गए, तो ये मंडू भाई का चश्मा यहाँ से खुलेगा, जैसे ही खुलेगा क्या होगा, वो रिएजेंट्स डाल लेना, ये बन गया CH2 के साथ ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे C के साथ ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या CH3 और यहाँ पर भी ये बना CH2CH3। अरे बोल दे भाई, ये डबल हो, ये भी डबल हो, बता दे दोनों के नामकरण क्या, इसका नाम क्या है, CH2O का नाम मैंने आपको बताया था HCOH। अरे बोल दे भाई, क्या बना ये, मुझे पता ही नहीं, मेरे को नामकरण तो आता ही नहीं जी, इथेनॉल। और ये क्या बना, कितने की कार्बन की चेन, पेंटेन, हाँ पेंटेन 3-ON, ठीक है भैया। बोल दे कोई लोचा, नेक्स्ट आ जा, फोर्थ में क्या लिखा है,
वन फिनाइल ब्यूटोनिन वन फिनाइल ओए बेंजीन को फिनाइल कब बोलते हैं जब नीचे नाइट्रोजन इसके अंदर ऑक्सीजन को चुन लिया तो इस वाले में ऑक्सीजन को चुन लिया इस वाले में अबे तो मैक्सिमम चेन बताइए चेन पेंट हो गया एन हो गया क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है थ्री पे ऑन थ्री पे डबल ओ अरे ये कंपाउंड ही है हाँ ले नेक्स्ट क्या है वन फिनाइल क्या लिखा है ब्यूटवनिन यस सर तो चेक कर भैया ब्यूट बनाते पहले ब्यूट पे वन पे इन और वन पे फिनाइल बनेगा अरे बोल भाई यस सर तो आ जा यहाँ पे इसमें भी बाकी एच पूरे कर लेंगे तो इसका भी चश्मा खोल दे भाई खुल गया क्या बनेगा ये देखो सीएचओ को क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड क्या नाम है इसका अरे एनिलिन होता है बेंजीन पे एनएच टू और ये क्या बन गया सी यहाँ पे डबल ओ बन गया बोलो जी इसका क्या नाम हुआ प्रोपे नल अबे थ्री और गलत कर तो बच्चों 13.5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या रहा है एक एल्कीन है ए इसका मैंने ओजोनोलिसिस किया ठीक है भैया और ओजोनोलिसिस किया तो मेरे को दो प्रोडक्ट्स मिले एक क्या मिला अबे पढ़ तो ढंग से ले इथेनॉल और पेंटेन थ्रियोन तो यहाँ ध्यान दे इथेनॉल क्या होता है सी एस थ्री सी ओ एच अरे बोल दे भाई और पेंटेन थ्रियोन क्या हो गया पेंट डाला और ये डाला अरे बोल दे भाई और बाकी यहाँ पर क्या डालेगा एच एच मानते नहीं मानते अब क्या रहा है कि ये दो किसके प्रोडक्ट होंगे कौन सी एल्कीन के तो एल्कीन पता लगाने का एक बढ़िया सा तरीका कैसे ये कोई सा भी एक ग्रुप एज इट इज लिख ले जैसा है अरे लिख दिया और इसको ऐसे पलट के लिख दे कि इसका ओ और इसका ओ आमने सामने हो जाए तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं ये सी डबल ओ यहाँ एच और यहाँ पर अरे बोल दे भाई पहले क्या करा करते थे डबल बॉन्ड को तोड़ करके ओ लगा देते थे अब ओ हटा करके चलो हटो हमारा दोबारा से मिलन हो गया है मजनू भाई चश्मा नहीं पहनेगा क्या बोलते है ना कि इसका नामकरण कर दे सुन मेरी बात नामकरण जब भी करेगा ना सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना और उस लॉन्गेस्ट चेन में चेक करना कहीं पे फंक्शन रुको तो वो वाली चेन से स्टार्ट करना तो देखो सर ये और ये और ये तेरी मेन चेन हो गई यस सर हो गई ना तो वन टू थ्री फोर फाइव सुन मेरी बात अरे नीचे से करता तो ये इन छूट जाता बेटे क्या नामकरण हो गया पेंट हो गया पेंट और थ्री पे इथाइल हो गया पेंट टू इन ठीक है और पेंट टू पर ये समझ आया कि नहीं आया बोलते भैया तो इसके क्वेश्चन भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें नंबर नहीं कटते नहीं कटते अगर आपने सिर्फ चैप्टर पढ़ा होगा ना क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे होंगे तो आपको चैप्टर किसी यूज का नहीं लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ रटने वाला लगेगा वही वाला है पेशेंस वाली मूवी दो घंटे तक कुछ नहीं समझ आया अभी अगर दो तीन क्लास अटेंड कर ली तो आपको सब समझ में आ जाएगा समझ गए चलते लेके इस वाले को देख भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है बैक एक्सरसाइज का 13.6 इस क्वेश्चन में कहता क्या है कि जो आपका एल्कीन है ना भाई सुन रही बात जो कह रहा है कि जो एल्कीन है उसके बारे में कुछ ज्ञान दे रहा हूं आपको तीन उसमें सी सिंगल बॉन्ड सी है ठीक है आठ सी एच बॉन्ड है और एक सी डबल बॉन्ड सी है ठीक है भैया तो तीन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन के बीच में समझे ठीक है तो फाइव बॉन्ड भी है तो अब कुल मिलाकर के हाँ तो अब आपको क्या कह रहा है कि जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करता हूँ क्या करता हूँ ओजोनोलिसिस ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते ठीक है तो जो मेरे को प्रोडक्ट मिलता है ना उस प्रोडक्ट का मोलर मास जो दे रखा है एटॉमिक मास जो दे रखा है 44 यूनिफाइड है मानते हो नहीं मानते कह रहा बता दे भैया मेरा एल्कीन कौन सा है एल्कीन कौन सा है ठीक है भाई तो यहाँ ध्यान दे ये तू बनाएगा पहले तो वो कह रहा है तीन सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है यही बात समझ डबल बॉन्ड आगे अरे ले अगर तू ये कंपाउंड में यहाँ डबल बॉन्ड लगाता है तो एक कंपाउंड की पॉसिबिलिटी ये है और एक कंपाउंड की पॉसिबिलिटी क्या है सेकंड में लगाएगा
अरे मानता ही नहीं मानता yes. जब तू इसका करेगा ओजोनोलिसिस तो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे क्या यहाँ पे सी एच के साथ, सुन मेरी बात, यहाँ डबल हो और यहाँ डबल हो, मानता ही नहीं मानता yes. अरे बॉक दे yes, ये दो कंपाउंड मिलेंगे, एक ये वाला yes. अरे ये वाला, तू मेरे को एक बात बता, इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम आएगा no, क्यों नहीं आएगा अलग अलग क्या? और वो भैया क्या कह रहे हैं, जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास सेम, हाँ तो कौन सा चलेगा, ये वाला वो वाला, वो वाला। क्यों? क्योंकि इसका जब चश्मा खुलेगा हाँ तो समझ आया नहीं क्या, ये ले चेप दे यहाँ से, अरे भोंक दो भाई भाई, कोई बंदा अगर इस चैप्टर को मुश्किल कहेगा ना, दो मॉलिक्यूल मिले ना इसके, चेक करके देख ले मोलर मास क्या है, सी टू एच कितने हैं, चार ओ, तो सी टू एच फोर ओ कितना हुआ, कार्बन होता है 12, 12 इंटू दो 24 प्लस 4 28, 28 और 16 28 6 34 34 हुआ कि नहीं हुआ, समझ गया, तो तेरा एल्कीन कौन सा हुआ, ब्यूट टूइन, तो ये एल्कीन भैया कौन हुए, ब्यूट टूइन, अब भी बता दे मुश्किल है क्या, चेप जल्दी से, क्या कह रहा है 13.7 में एक एल्कीन है ओजोनोलाइज करके प्रोपेनल और पेंटेथिलीन दे रहा है, तो प्रोपेनल आपका अगेन क्या हो गया, वही तीन कार्बन और यहाँ पर COH, अरे बोलते भाई, और यहाँ पर पेंटेथिलीन क्या हुआ, पांच कार्बन और थ्री पर ओन, बाकी एच 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 पूरे कर लेंगे yes, तो यहाँ पर ध्यान से भैया, वो जो तुम्हारा पेंटेथिलीन है उसको यहाँ रख दिया और प्रोपेनल जो है उसको यहां रख दिया, अबे रखा नहीं रखा, ये रख दिया, कोई लोचा, अब ये डबल ओ हटा करके क्या करूं, जोड़ दें, अब मैक्सिमम चेन कहां दिख रही है, मैक्सिमम चेन अपने को ये दिख रही है 1 2 3 4 5 6, या तो ऊपर से कर ले या नीचे से कर ले, 1 2 3 4 5 6, अगर तू दोनों तरफ से करता है तो तेरी मेन वर्ड रूट क्या है बेटा, वर्ड रूट तो हेक्स आ रहा है, प्राइमरी सफिक्स जहां से पास बढ़ेगा वहां से करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे भी 3 और 4 के बीच में है, और 1 2 3 4 यहाँ से भी 3 और 4 के बीच में है, तो इन तो दोनों तरफ से सेम है, अरे बॉक्स में भाई, अब क्योंकि ये तो दोनों तरफ से सेम बैठ रहा है, तो अब तेरे पास जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसको भी तो कहोगे भैया तू तो दोनों तरफ से सेम है भाई, यहाँ से क्यों जा रहा है, मैं चौथे पे पढ़ूंगा वहां से जा रहे मैं तीसरे, यही बात समझ गए, तो इस वजह से आप सेकेंडरी प्रीफिक्स, भाई प्राइमरी प्रीफिक्स तो है ही नहीं ना, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो गया, थ्री पे हाँ थ्री एथाइल एच थ्री, अब भी नहीं आया समझ, आ गया सर, है एक और वैसा, चल आगे चल भाई, कंबशन रिएक्शन आपको किसका लिखना है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, सबसे पहले तो भाई आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, आप सबको पता है एल्केन का क्या होता है, एल्केन का CnH2n+, तो मतलब जितने मान ले n अगर ये हैं तो दुगने से दो ज्यादा, ये बात पता है, और एल्कीन होता तो CnH2n है ना, और अगर एल्काइन होता तो CnH2n-2 है ना, कोई ऐसा, हाँ ये सब तो सबको पता है ना, तो पहले ये समझना क्या दे रखा है आपको, ब्यूटेन, अगर ब्यूटेन है तो कितने कार्बन होंगे, चार, 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 तो चार एल्केन है ना ब्यूटेन, तो दुगने से दो ज्यादा, H10, अब यहाँ हमेशा O2 होगा, प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलते हैं CO2+ वाटर, बैलेंस करने का तरीका सिंपल बता रहा हूँ, जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन होंगे CO2 का, क्यों, क्योंकि एक CO2 में एक कार्बन होता है ना, तो चार चाहिए तो चार लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे 10 है बोलते, तो यहाँ 5 लगाओगे, क्यों, क्योंकि एक क्वार्टर में 2 H हैं, अब 4 2 8 8 ही हो गए, और 5 अरे बोलो 13 हो गए, यहाँ पर 13/2 बस बैलेंस, अगर हेक्साइन लिखा आता तो हेक्साइन में क्या करते भैया, ये तो ब्यूटेन था बस, यही हेक्साइन होता तो क्या करते, हेक्साइन होता हेक्स में 6 हुआ और एल्काइन 2n-2 C6H10, तो मेरी बात सुन भैया, O2 करने पर कितना वो मिला, 6 CO2+ अगेन, अबे हर बार 5 वाटर नहीं मिलते, H8 नहीं होगा,
छह तो नहीं बारह, बारह में से दो कम दस। अच्छा बा अच्छा मेरे पे मैथ्स नहीं है ना। हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है भैया। तो ये छह दूनी बारह, बारह बारह यहाँ हो गए और पांच सत्रह, सत्रह बटा। अरे मौक दे भाई, डन कर दे चल भैया। ध्यान दो, एक और आपको, एक और आपको इसमें दे रखा है टॉलविन। तो टॉलविन नहीं, पहले टॉलविन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टॉलविन होता है बेंजीन के ऊपर क्या, ठीक है भैया। तो अब चेक करके देख कितने कार्बन हो गए, सी सेवन हो गए और हर कार्बन पे एक एच लगा हुआ है, यहाँ वाला निकल चुका है। तो फाइव और एच यहाँ पर तीन है ना, तो सी सेवन एच एट, ठीक है भैया। आप इसमें ओ टू डालेंगे क्या बनेगा भाई, सेवन सी ओ टू प्लस चार एच टू ओ, और यहाँ क्या है सात दूनी फोर्टीन और चार एटीन, क्या लगेगा नाइन, और भैया प्लस आगे एट और लाइट लिख लेना क्या आएगा, कितना आएगा एट। अबे ये लाइट नहीं है, ये हीट है, और यहाँ क्या लिख देना लाइट। चलो भाई डन कर दे, नेक्स्ट आते अगला क्वेश्चन। आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि आपको हेक्स टू इन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो भैया हेक्स टू इन कैसे बनेगा, याद ध्यान दे, पहले तो हेक्स टू इन लिख ले, ठीक है। उसके बाद कार्बन कार्बन कितने बना ले, छह बन गए छह, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है भैया। अगली बात सुनना, और यहाँ पे कितने एच लगेंगे, तीन एच, यहाँ कितने एच लगेंगे एक एच, यहाँ एक एच, और यहाँ पर दो एच, यहाँ दो एच, यहाँ भी कितने दो एच, और यहाँ तीन एच। मानते हो नहीं मानते, मेरी बात सुन भैया। भैया भाई भैया सामने ध्यान देना बिल्कुल एकदम, कॉपी वॉपी में कुछ नहीं लिखोगे। सी डबल वन सी लिखा है, yes, इस सी डबल वन सी पे एक एक एच तो यहाँ चिपके हुए हैं, yes, और एक एक क्या चिपका है, एक सी एस थ्री यहाँ चिपका है और एक बड़ा सा ग्रुप, समझिए। तो देखो यहाँ से ट्रांसस्ट्रक्चर देखना, यहाँ पर ये सी डबल वन सी ये लिख दिया, एक होता है कि सी एस थ्री ऐसा ऐसा यहाँ लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया गाइस, ये सिस हो गया। हाँ जहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप सेम हो जाते हैं या सेम ग्रुप सेम साइड हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे गाइस सिस टू हेक्सीन, सिक्स है हेक्स टू इन है जी। ये सीरीज में ऐसे ही होता है, सब सेकंड सब दोनों साइड सेम ग्रुप। चमत भैया बात सुनो मेरी, पहले बात सुनो, आपने यहाँ पर सी टू एच फाइव लिख दिया तो दो कार्बन यहाँ और तीसरा यहाँ, थ्री इन हो गया, जबकि है क्या ये टू इन, समझ रहा है फर्क, गलती कहाँ है। तो जो जितना बताया उतना ही तो पता है ना, तो फिलहाल यहाँ पे ये है दो एच सेम साइड हुए और बाकी बड़े बड़े ग्रुप एक साइड है ना, दिस इज कॉल्ड सिस हेक्स टू। ट्रांस वाला यहाँ पर आ जा, ट्रांस वाले में आपका आएगा ये ऐसा और एक ग्रुप इधर हो जाएगा, ठीक है जी। और बाकी एक वाला एच इधर, ये सी एच टू ट्रांस सी एच टू सी एच थ्री, क्या है ये ट्रांस एक्स टू इन। अब मेरी बात सुनना भैया, ट्रांस कितने सारे सब्सटिट्यूट, अब देखो ये ट्रांस एक्स टू इन हो गया। अब आपसे आपको इन्होंने सिर्फ ना बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों समझाऊंगा, ठीक है भैया। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देता हूं, मेल्टिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्डर ट्रांस वाले का ज्यादा होता है, सिस वाले का कम होता है, और अगर मैं बात करूं किसमें बॉइलिंग पॉइंट में तो सिस वाले का ज्यादा होता है और ट्रांस वाले का कम होता है। ये समझाने के लिए सबसे पहले आपको ये बताता हूं मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, पहले देख लो, डिपेंड्स ऑन पैकिंग, किस पे भैया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो कुछ गाड़ियां है जो रोड साइड लगनी है, मान लो ये रोड है और गाड़ियां लगनी है, तो अगर कोई आ करके ऐसे ऐसे अपनी गाड़ियां पार्क कर देता है तो अच्छे से पैक हो पाएगी, मतलब कि पार्किंग हो पाएगी, या कोई बंदा ऐसा आए और यूं यूं पार्क कर दे, कुछ गाड़ियां ऐसी कर दे कुछ ऐसी कर दे पहले वाले में, फिर कुछ ऐसी कर दे फिर कुछ ऐसी, इसने तो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो पैकिंग ये अच्छी हुई है ये वाली फर्स्ट वाला ना, तो चेक करके देख रहे सारे, अरे लिख बाद में लेना भाई पहले समझ लो, इसमें पैकिंग अच्छे से हो गई गाड़ियों की और यहाँ पे ऐसे ऐसे, यार ये तो खुद ही दिख रहा है ये क्या बदतमीजी करी है ये, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये कुछ ऐसी सी शेप का है, ये ऐसी सी शेप का है, yes। तो दो कंपाउंड अगर इसके आएंगे तो वो ऐसे 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 लगते जाएंगे, yes। अरे बोलो, yes। वो कुछ ऐसी टाइप की पैकिंग नहीं हो गई,
और अगर ये वाला कंपाउंड कोई आएगा तो ये कुछ ऐसा कुर्सी होगा की तरह अरे बोलो मेरी टीचर ने कुर्सी बनाया था इसको और कहती थी एक के ऊपर एक लग सकती है और वो वाली पैकिंग अच्छी बताई नहीं ये बोर्ड बनाया था उसकी नहीं बताई थी इस वाले को कुर्सी बना के कागज की बात सुन मेरी बात सुन कहानी बात सुना लेंगे पहले मेरी बात सुन रहे ये वाला कंपाउंड आपको ऐसा टाइप दिख रहा है तो ऐसी और ऐसी पैकिंग अच्छी नहीं हो पा रही जबकि ये वाला कंपाउंड कैसा दिख रहा है ऐसा तो कुछ कंपाउंड ऐसे 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 आएंगे लग जाएंगे तो फ्रांस वाले की पैकिंग अच्छी है जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग और पैकिंग फ्रांस वाले की अच्छी है तो फ्रांस वाले का ज्यादा समझ गए। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको समझाता हूँ यहाँ ध्यान देना पहले समझ लो भाई आपको पता है CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो इसका डायपोल मोमेंट अल्टीमेटली इधर हो जाएगा और इसका डायपोल मोमेंट अल्टीमेटली इधर हो जाएगा तो नेट डायपोल मोमेंट इधर आएगा जो भी आए समझ गए नहीं समझे। अब इस वाले केस में ध्यान देना इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा तो ये अल्टीमेटली कैंसिल आउट होगा तो अब नेट या तो इधर आएगा या फिर मुझे नहीं पता नेट शायद उधर जाएगा लेकिन एक बात तो कंफर्म होना कि यहाँ पे रीइंफोर्स कर रहा है एक दूसरे को और वहां पे कैंसिल आउट कर रहा है तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा हाँ तो अगर मैं बात करूं कि डायपोल मोमेंट ऑफ सिस प्रोडक्ट दैट विल बी ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस तो अगर डायपोल मोमेंट किसी का ज्यादा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा नहीं होगा और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिन्होंने फोर्स पढ़ रखा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे तो वेपराइज करने में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी नहीं आई बात समझ तो आपको मैं यहाँ पर यही वाली बात लिख देता हूँ क्या कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन यहाँ पर पहले ये देख लेता है ढंग से दिख रहा है नहीं दिख रहा हाँ काम चलाओ दिख रहा है यहाँ ध्यान दे भैया यहां पे मैं लिख रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ठीक है इन सिस आइसोमर देयर इज स्ट्रॉन्गर डायपोल इंटरेक्शन इंटरैक्शन which is the reason that MCs is greater that it has minimum cis has more boiling point ये बात समझे नहीं समझे चल किताब में सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पूछा है मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट भी समझा दिया आपसे कुछ भी पूछ लेगा भाई सारे ध्यान देना 13.12 में कह रहा है आपको ये बताना कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं तो एरोमेटिसिटी होने या ना होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो sp3 हाइब्रिड sp2 होना चाहिए तो सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है जबकि इस वाले पे क्या है 2H लगे हैं तो 2H लगने का क्या मतलब है sp3 तो ये एरोमेटिक नहीं है समझ गए काट दे जल्दी से सेकंड पार्ट आ जा क्या है किसका पहले ये बताओ सेकंड पार्ट में क्या लिखा है ये लिखा है अब साइक्लोपेंटेन ये भी हो गया देख पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 4 pi इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर वैसे भी क्या है 2H है तो sp3 हाइब्रिड होने से क्या हुआ ये भी नहीं है ना काट दे ये भी एरोमेटिक नहीं है अरे बोल भाई नेक्स्ट राजा अगला क्या लिखा है अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड ये कुछ ऐसा सा बना हुआ है आपके इसमें मैं आपको इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बताऊंगा ये इसका नाम क्या है पहले तो यहां ध्यान दो साइक्लो ऑक्टा क्यों क्योंकि टेट्रा इन लिखूंगा ना तो टेट्रा में टी आ गया तो यहां पे ऑक्टा हो जाएगा 1 3 5 7 टेट्रा इन ठीक है भैया अब मेरी बात सुना आपको ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है
ये आपको दिख रहा है एंटी एरोमेटिक ना, तो एंटी एरोमेटिक तब होता है जब सारे क्या होते हैं प्लेनर, जब प्लेनारिटी होती है। अरे समझे, तुम्हें ये लग रहा है कि सारे कार्बन क्या है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड से प्लेनर तो हो गया। अब प्लेनर के बाद इसके 4 के मल्टीपल में है 2, 4, 6, 8, तो आप कहोगे इसे एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है। तुम्हें प्लेनर दिख रहा है ना, बताता हूँ प्लेनर क्यों नहीं है। आप लोग थोड़ा हवा में ध्यान दोगे, हवा में, हवा में कैसे क्या ध्यान दो, हवा में बताता हूँ आपको। जैसे कि ये आपकी किताब है भैया, इस किताब को अगर मैं ऐसे कर दूं, देख रहे भैया सारे ध्यान देना, अगर ऐसे करूं ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये एक कार्बन है, ये वाला दूसरा कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन यहाँ लगा, फिर ये कार्बन यहाँ लगा, अरे समझ गया है, और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये मान लो कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अरे कैसे से समझाऊं तुम्हें, जैसे ये यहाँ से ये ऊपर है ना ऐसे, तो ऐसा एक और मान लो ये है, तो कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ भी कार्बन, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये वाला, इसे टब शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्लेनर ही नहीं हुआ ना हमें दिख, मैंने आपको क्या कहा था, sp2 हाइब्रिड कार्बन सारे के सारे प्लेनर नहीं होते, तो ये वही एग्जांपल है, आपको दिख रहा होगा प्लेनर है, लेकिन ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर मैं इसको यूं ऐसे बनाऊं और यहाँ पर एक और ऐसा बना दूं, तो चार कार्बन यहाँ हो गए और दो दो यहाँ यहाँ हो गए, तो इसको बोलते हैं टब शेप स्ट्रक्चर। सर इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि टब शेप स्ट्रक्चर, हाँ, तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ, वरना अगर ये प्लेनर होके 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो ये क्या होता, एंटी एरोमेटिक, समझे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, यहाँ ध्यान दो, ये कार्बन है ठीक है भैया, ये ऐसा, ये बोलते भैया 1, 2, 3, 4, तो इसको बोलेंगे टब शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसे, टब उल्टा करके स्टूल लगेगी, शेप्ड स्ट्रक्चर, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। लेकिन पता है आपको नॉन और एंटी नहीं बताने, आपको बस ये बताना है एरोमेटिक है, हाँ, तो आप क्या बोलोगे इसे, एरोमेटिक, This is not aromatic, anti aromatic या non aromatic मत लिखना, क्यों अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो बिना बात में। स्कूल वालों ने तो anti aromatic करवाया, non aromatic करवाया। Not aromatic लिखना, non word मत लिखना, ना स्पिट जाएगा। वैसे ही अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, non aromatic है, anti, अरे समझ गए। चल भैया इसे लिख ले जल्दी से। सर, हाँ, हमारे स्कूल वालों